अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिट वाट होंगे, मज़े में होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद एक नई वीडियो के साथ आज दोबारा हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे प्याज के एक और पेस्ट के बारे में, जिसको लोग अनियन मैगट्स के नाम से जानते हैं। वीडियो को बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज करने से पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक लाजमी किया करें। आपकी सपोर्ट ही मेरी कुवत बनती है, मेरी तवानाई बनती है और उसके बाद मैं फिर अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। तो आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस इस तरह बनाता रहूँगा। प्लीज़ लाजमी कमेंट करें और प्लीज़ लाजमी लाइक किए करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनियन मैगट्स प्याज में एक बहुत बुरा पेस्ट समझा जाता है। इसकी समझ जब तक आती है आप अपनी फसल से हाथ धो बैठते हैं। तो आम नज़र से तो आपको इसको आप पौधा आपको हेल्दी नज़र आएगा, लेकिन जब आप उसके करीब जाएंगे तो आपको नज़र पता चलेगा कि उसके अंदर काफ़ी लार्वीज हैं और वो लार्वीज जो है ना उन्होंने प्याज के अंदर इतनी बोरिंग की हुई है कि वो पूरा का पूरा पौधा ख़त्म हो चुका है। तो इसको समझना बहुत लाजमी है कि ये किन दिनों में अटैक करती है और किन दिनों में इसके हमें लार्वीज नज़र आएंगे और हमें उन दिनों में उसको कैसे कंट्रोल करना होगा। हम अगर इसकी पूरी लाइफ को देखें, इसकी ज़िंदगी को देखें, इसकी ज़िंदगी में तीन जनरेशन्स आती हैं। तीन जनरेशन ऐसे कि ये तीन दफ़ा आपको अपनी फसल के अंदर प्याज की पूरी टाइम के अंदर जो उसका दौरानिया है, पूरी लाइफ है, उसके अंदर आपको ये तीन दफ़ा नज़र आएगी। तीन मुख्तलिफ टाइमिंग्स में आपको ये नज़र आएगी। तो ये तीन जनरेशन बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फर्स्ट जनरेशन हमें किन दिनों में नज़र आएगी। मैं फिर से दोहराता हूँ, फर्स्ट जनरेशन आपको मिड मई से लेकर लेट जून तक, मिड मई का अध मई से लेकर जून के आखिर तक आपको फर्स्ट जनरेशन की फ्लाइज नजर आएंगी, इसकी मक्खियां नजर आएंगी। सेकंड जनरेशन आपको अर्ली जुलाई से लेकर अर्ली अगस्त तक नजर आएंगी और थर्ड जनरेशन इसकी आपको लेट अगस्त से लेकर अर्ली अक्टूबर तक इसकी नजर आएंगी। तो ये इसकी एडल्ट जो इसकी मक्खी है वो नज़र आना शुरू हो जाती है इन दिनों में। अब ये अपने जिन दिनों में ये नज़र आती है उसके बाद ये अंडे दे देती है, तीन से चार दिन के अंदर अंदर अपने अंडे दे देती है। अब एडल्ट की जो खासियत है वो क्या है, वो तकरीबन 30 दिन तक जिंदा रहती है। इसकी लाइफ जो है ना एडल्ट की, जो इसकी मक्खी की जिंदगी है वो तकरीबन 30 दिन है, वो एक महीने तक जिंदा रहती है। अब एक महीने जिंदा रहने की वजह से ये इस एक महीने के अंदर तकरीबन ये 201 फीमेल जो है वो 200 अंडा देती है। अब ये 200 अंडे वो इकट्ठे नहीं देती, ये तीन पैचेस में देती है, तीन हिस्सों में देती है। अब ये तीन हिस्सों में एक हिस्सा एक जगह पे कर देगी, दूसरा हिस्सा दूसरी जगह पे आप अंडे दे देगी। अंडे देने के बाद ये तकरीबन अंडे जो है ना तीन से चार दिन के अंदर अंदर हैच हो जाते हैं। अंडे सफेद कलर के होते हैं। अगर हम इन अंडों को देखें तो आपको अंडे इसके जो है ना सफेद कलर के नजर आएंगे और थोड़े से अंडा शेप में होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, छोटे होते हैं और इलांगेटेड होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये अंडे देते कहाँ हैं? जब आप इसके जो शुरू वाले जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ये अंडे देती हैं ज़्यादातर जो नई आपने वो लगाई होती है, सीडलिंग्स लगाई होती है, नर्सरी लगाई होती है या जो नई ट्रांसप्लांट किए हुए पौधे होते हैं उनके करीब करीब ये ज़मीन के अंदर भी दे सकती हैं। और अगर मौसम बहुत ड्राई है, गर्म है, तो ये फिर पत्तों के दरमियान में आपको पत्तों के दरमियान में अंडे देंगे। अंडे दे दिए, अंडे तकरीबन कुछ दिन में, ये तीन से चार दिन भी हो सकते हैं, हफ्ता भी हो सकता है, हफ्ते के अंदर अंदर
ये हैच हो जाती हैं। जैसे ही हैच हो जाती हैं, ये सफेद कलर की जो लार्वीज हैं ये इसमें से निकल आती हैं, और ये लार्वीज डायरेक्टली ये बोरिंग शुरू कर देती हैं। जहाँ ये होती हैं उस प्लांट के अंदर ये बोर करना शुरू कर देती हैं। ये काटने वाली इनके मुंह होते हैं, तो वो क्या करती है, कुतराई शुरू कर देती है, और उस कुतराई में ये पौधे के सारे नरम हिस्से खाना शुरू कर देती है। लार्वी जो है ना वो, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो लार्वी के जो है टांगे नहीं होती, और ये एक मैगेट की तरह मूव करती है ऐसे करके, इसका ये ऐसे करके मूव करती है आगे की तरफ, ये अपना मुंह पहले रखती है फिर लूप सा बनाती है और मूव कर देती है। लार्वी फुल मेच्योरिटी में तकरीबन 1 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होती, और आप इसको अगर गौर से देखें तो ये सफेद कलर की नजर आएगी आपको। अब लार्वी तकरीबन कितने दिन प्लांट में रहेगी? लार्वी आज अंडे हैच हुए, लार्वी निकली, उसने खुराक खाना दी, ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते खाती रहेगी। तो वही बात जो मैं आपको पहले समझा रहा था कि आपको फ्लाइज नजर आई, उसके चंद दिनों बाद उसने अंडे दे दिए, फ्लाइज नजर आ गई, इन्होंने कुछ दिन के अंदर अंदर मैटिंग करनी है, और मैट करने के बाद अंडे देना शुरू कर देना। जब मैट किया तो आप ये समझ लें कि फ्लाइज जब से आपको नजर आना शुरू हो गई, आप ये समझ लें कि अंडे आ चुके हैं। अब अंडे आ चुके हैं, अब आपने कंट्रोल शुरू कर दिया। अब अंडे आ गए, अंडे हैच हो गए, उन्होंने बोरिंग शुरू कर दी। लार्वी आपको छोटी नजर आई तो ये समझ लें कि ये लार्वी 2 से 3 हफ्ते अब ये खाती रहेगी इस पौधे को। अब आपने इसके अंदर अंदर आपने इसको कंट्रोल करना, जिस तरह केमिकल कंट्रोल्स आपको मिलते हैं बेहतरीन, उससे आपने कंट्रोल करना है इसको। प्लांट के अंदर लार्वी तकरीबन 2 से 3 हफ्ते खाती रहेगी, और उसके बाद ये नेक्स्ट फेज की तरफ चली जाएगी, जिसे हम प्यूपा कहते हैं। अब नेक्स्ट फेज इसकी जो है ना प्यूपा में चली जाती है। प्यूपा जो है ना इसका तकरीबन ब्राउनिश कलर का होता है, और ब्राउनिश और ओलिंगेटेड होता है, थोड़ा सा अंडे की शेप के होता है, लंबा होता है थोड़ा सा, और इसको अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो आपको ये गंदम के दाने से थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। और प्यूपा अपनी सारी जिंदगी जो है ना जमीन के अंदर गुजारता है, तो इसका बेहतरीन कंट्रोल ये है कि आप प्यूपेशन स्टेट अगर आपने इसको बचानी है तो वो आपने फ्लड करके इसके साथ कोई केमिकल्स डाल दिए। अच्छा बात करते हैं कि इसकी अब ये प्यूपा का जो स्टेज है इसकी, वो ये सॉइल के अंदर गुजारेगा, और जितनी भी सर्दी है ये सारी की सारी सर्दी ये जमीन के अंदर गुजारेगी। ये इसकी प्यूपेशन की स्टेज होगी थी। और प्यूपा तकरीबन ये समझ लें कि विंटर जितना भी है, सर्दी जितनी भी है, सर्द मौसम जितना भी है, वो ये उसके अंदर गुजारेगा, जमीन के अंदर गुजारेगा, और जैसे ही बाहर का मौसम आना शुरू होगा, मौसम थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो ये दोबारा से बाहर निकल आएगा, और बाहर निकल के मक्खी की शक्ल में चेंज हो जाएगा। ये थी जी इसकी लाइफ साइकिल। इसका अब इसकी एडल्ट को जरा समझ लेते हैं, इसकी मक्खी को, इसकी मक्खी को हम कैसे पहचान करेंगे। प्यूपा मैंने आपसे कहा कि प्यूपा जमीन के अंदर सर्दी पूरी गुजारता है, सर्दी गुजारने के बाद ये जैसे ही मौसम बाहर आता है, मौसम बाहर में ये बाहर आ जाते हैं, और दोबारा से मक्खी की शक्ल में फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। अब इसकी मक्खी को पहचानना लाजमी है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि भाई ये मैगेट की, अनियन मैगेट की मक्खी है भी कि नहीं। अनियन मैगेट की मक्खी तकरीबन जैसे हमारे घर में जो हमारे सादा जो हमारे घरों में जो मक्खियाँ होती हैं तकरीबन वैसी ही होती हैं। उसका और इसका इतना फर्क होगा कि ये उससे थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी लंबी होगी, और आप इसके जो एब्डोमेन को क्या बोलोगे, इसके पेट के हिस्सों को अगर आप देखें तो जो घर की है वो वाली जो है ना वो थोड़ी सी मोटी होती है, ये जो मैगेट की जो मक्खी होती है थोड़ी सी इसका जो पेट वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा लंबाई की तरफ होता है। और इसमें जो बड़ा डिफरेंस है कि इसकी जो टांगे हैं वो थोड़ी सी पतली और लंबी होती हैं आम मक्खी से, तो ये इसकी पहचान है। ग्रेश कलर में आपको ये नजर आएगी, मैं तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ और उसमें आप देख सकते हैं
ग्रेश कलर में इसकी लुक नजर आएगी, टांगे थोड़ी सी लंबी होगी, आम घर घर वाली जो घर में जो मक्खियां होती हैं उस जैसी मुशाबत होती है, थोड़ी सी इसका जो पेट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा लंबा होता है। एडल्ट जो इनका है, जो मक्खी है, ये जैसे ही ये प्यूपेशन स्टेज से बाहर निकलता है तकरीबन 1 हफ्ते बाद ये मेट करके अंडे देना शुरू कर देते हैं। तो आपको मक्खी नजर आई, मक्खी के 1 हफ्ते के बाद इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए। अंडे नजर आए, अंडे के 1 हफ्ते बाद आपको लार्वीज नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब आपने इसको कंट्रोल करना है। लार्वी ने अपने 2 से 3 हफ्ते तबाही कर देनी है फसल के अंदर, हर जगह इसने अंडे दिए होंगे, और आपको मैक्सिमम जो है ना, आपको जितने भी प्याज है उसके अंदर आपको इसकी तबाही नजर आएगी। इसकी तबाही इस हद तक बढ़ सकती है कि आप जब प्याज उखाड़ के रख देते हैं तो ये उन दिनों में भी प्याज की जो निचला हिस्सा है, जो जड़ वाला हिस्सा है, उसके ऊपर भी अंडे दे देते हैं, और वहां पे ये वहीं से जैसे ही अंडे हैच होते हैं और आपने स्टोर करेंगे कहीं रखे हुए हैं, ये उन्होंने अंदर बोरिंग कर देनी है। आप स्टोर में प्याज लेके जा रहे हैं, आपको पता चलेगा कि उसके अंदर तो कीड़े हो चुके हैं, वो जो कीड़े हैं ये इस हद तक नुकसान करते हैं। जो मैंने आपके 3 जनरेशन का इसका जिक्र किया कि ये 3 जनरेशन चेंज करती है प्याज के फसल में, तो आपने स्टोर ले जाते वक्त तक आपने ख्याल करना है कि हो सकता है कि आप जो प्याज स्टोर लेके जा रहे हैं उसके अंदर भी अंडे हों, तो प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इसकी लाइफ का मैंने आपको बता दिया 30 दिन की होती है। ये थी जी इसकी अनियन के मैगेट की लाइफ की पूरी स्टेज। और इसके डैमेजेस की तरफ बात कर लेते हैं, हम इसके डैमेजेस कैसे देखेंगे, हमें कैसे इसका कंट्रोल करना होगा और क्या ऐसे मैयर्स हैं कि हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, इसके डैमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसने नर्सरी के ऊपर अटैक किया हुआ है तो आपको पौधे मरते हुए नजर आएंगे, पता भी नहीं चलता और पौधे मरते हुए। अगर ये आपकी वेजिटेटिव स्टेज पे आपको अटैक कर रही है, तो जब आप पौधे के करीब जाएंगे तो हो सकता है पौधा मुरझाया हुआ हो, और जब आप उसको गौर से जरा देखें तो उसके अंदर आपको लार्वे नजर आएंगे। इनके अटैक को ऐसे ही देखा जा सकता है। बाकी अगर आप इसके बल्ब पे अगर ये अटैक कर रहे हैं, तो जब बल्ब पे आप हाथ डालेंगे और बल्ब को उखाड़ेंगे तो हो सकता है जो बल्ब का निचला वाला हिस्सा है वो नीचे ही रह जाए, आप उसको उखाड़ पानी से भर जाएंगे और इसके अंदर विल्टिंग आ जाएगी। और इसकी इतनी बड़ी नहीं है, आपको इन पौधों को बाकायदा ऑब्जर्व करना होगा, जाके चेक करना होगा कि इसके अंदर कोई कीड़े तो नहीं आए हुए, फ्लाई पे नजर रखनी पड़ेगी। ये इसके डैमेजेस का तरीका है जी, हम इसको डैमेजेस को ऐसे ही देखते हैं। बाकायदा से दिन के 2-3 दफ़ा विजिट करें अपने प्लांट्स को, और विजिट करने के बाद लाजमी पौधों को खोल खोल के चेक किया करें। थ्रिप्स को भी हम इसी तरीके से चेक करते हैं कि थ्रिप्स अंदर तो नहीं आए हुए, इसी तरह हम अनियन लैगेट्स को भी इसी तरीके से चेक करते हैं। अब इसके कंट्रोल पे बात कर लेते हैं कि हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। केमिकल कंट्रोल में सबसे बेहतरीन काम यह है कि हम शुरू में जब आप सीड लगाते हैं तो उस वक्त इसकी ट्रीटमेंट करें, सीड को लगाने से पहले उसको बाकायदा तरीके से इस पेस्टिसाइड से ट्रीट करें। पेस्टिसाइड की तस्वीरें मैं लगा देता हूँ, फिर पेस्टिसाइड को ढूंढ के आप उनसे ट्रीटमेंट करें। उसके बाद आपने इसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि आप कोई ग्रेनुलर जो पेस्टिसाइड है, जैसे कि फिरोडान है, फिरोडान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिरोडान को आप नीचे पानी में फ्लड करें तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं आपको। और भी बहुत सारे केमिकल्स आप तो अवेलेबल हैं, उनकी मैं तस्वीर लगा देता हूँ, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसे इसकी एडल्ट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करने, बाकायदा स्प्रे करने, और उसके स्प्रे के लिए भी आपको बहुत सारे अच्छे इंसेक्टिसाइड बाजार में मिल जाएंगे, जो ये है।
कल्चरल कंट्रोल में आप येलो स्टिकी पैड्स लगा सकते हैं जो बड़े कारामद हैं इन फ्लाइज को पकड़ने के लिए, क्योंकि इन फ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं येलो कलर्स। और आप इस तरह के येलो पैड्स लगाएं अपने फील्ड में जगह जगह पर, ये बहुत अच्छे काम करते हैं और केमिकल से भी आपकी जान छुड़ा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी इन्फॉर्मेशन उन भाइयों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम।